चलिए, शुभ प्रभात, राधे राधे। और पुनः हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं सिंप्लीफिकेशन की अगली क्लास के लिए। तो देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन के कुछ और प्रश्न जो हम लाए हैं उन पर हम काम करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट कल आपको हमने समझा दिए थे, उसके आगे के कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे। आप सभी लोग अपनी अपनी रफ कलम उठा लीजिए, जल्दी जल्दी लिखना शुरू करना, बाद में उसे फिर देखना अलग बात है। देखिए, एक क्वेश्चन और था हमारे पास, उसी में हमने नोट किया हुआ है प्रश्न। बहुत सुंदर प्रश्न है, लिखा है 3/4। 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस डॉट डॉट 17/5184 प्लस 19/8100। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। बढ़िया सवाल है। ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है इसको दो नंबर्स में, लेकिन स्प्लिट करने में भी बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। देखिएगा कैसे आप इसको स्प्लिट करेंगे इस पूरे क्वेश्चन में। यहाँ जब हम रीजनिंग सेट करते हैं तो पता चलता है कि 3/4 है, कम लिखा है ऊपर, लेकिन यहाँ वो रीजनिंग बिल्कुल फेल हो जाती है, यहाँ और फेल हो जाती है। एक बात आपको सिर्फ समझ में आ रही, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये चल रहा है, लेकिन इससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। रिजल्ट एक जगह, इस पूरे प्रश्न का रिजल्ट एक जगह से मिलेगा। वो कौन सी जगह है? वो ये वाली जगह है, 19/8100। 19/8100 से हमें रिजल्ट क्यों मिलेगा? क्योंकि ये रिजल्ट, ये और कुछ भले ना बता रहा हो, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि ये 81/100 है। 81/100 है, तभी 8100 बना होगा। और अगर ये 81 है तो फिर ये 9 स्क्वायर रहा होगा, फिर ये 10 स्क्वायर रहा होगा। तो क्या ऐसी रीजनिंग इधर सेट हो सकती है? देखते हैं। ये दो, ये क्या लिखा होगा? ये लिखा होगा 1 स्क्वायर गुणा 2 स्क्वायर, ये लिखा होना चाहिए 2 स्क्वायर गुणा 3 स्क्वायर, ये लिखा होना चाहिए 3 स्क्वायर गुणा 4 स्क्वायर, तभी तो आगे लिखा मिलेगा 9 स्क्वायर गुणा 10 स्क्वायर। तो अब देखो, 9×81 10×100, थोड़ा सा इसी जगह देख लो आप। तो इसी को आप ऐसा लिखिए, 1/9 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे 1/81 माइनस 1/100, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 19/81100। आप नस पकड़ लेगा इस सवाल की, और उस नस में आपको ये पता चला कि ये एक्चुअली लिखा हुआ है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, और डॉट डॉट आगे तो ये लिखा ही हुआ है। ठीक है, एक टर्म को हमने हल कर लिया, हमें पता चल गया। अब बेटा फिर वही बात कहानी आती है, क्या इस 1/1 स्क्वायर को कहीं इसका कोई टर्म डिलीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये -1/2 स्क्वायर इससे कटेगा, ये वाला आगे वाले से, वाला और आगे वाले से, लेकिन इधर पहला वाला बच जाएगा और इधर कौन बच जाएगा? आखिरी वाला। इसका कुछ नहीं हो सकता, तो मतलब 1/1 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर, ये 1 आएगा, ये 1/100 आएगा, लासा ले लेंगे 100 आएगा, और ऊपर 99 आएगा, यानी इसका आंसर आने वाला है 0.99, यही आंसर है। अच्छा सवाल था, ध्यान से समझिए। कुछ और बातें सिखाते हैं, देखते हैं। a+b² तो आप जानते होंगे, अच्छे बच्चे हैं आप सब लोग। a-b² भी जानते होंगे आप, a+b³ जानते हैं, a-b³ जानते हैं। आइए कुछ बातें देखते हैं। जैसे हमने कहा a+b² बहुत बेसिकली आप समझिएगा, तो ये आप कहते हैं a² + b² + 2ab। ठीक है बच्चे, अगर मैं इस b की जगह पर, अगर मैं इस b की जगह पर 1/a रख दूं, तो यही बन जाएगा a+1/a² बराबर, ये a² एज इट इज रहेगा, 1/a² हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 2a की जगह पे a रहेगा,
और बी की जगह पे आपने क्या लिख रखा है, वन अपॉन ए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको समझ में आया ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू। अगर मैं आपको इसकी ट्रिक रटवा देता तो जैसे ही इस सवाल का एक लेवल चेंज होता वैसे ही तुम जो है डिस्टर्ब हो जाते, क्योंकि तुम्हें उसके बाद की कहानी मालूम ही नहीं है इसीलिए डिस्टर्ब हो जाते। अब आप ध्यान से देखिए, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर, और ये दो प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या रिजल्ट? प्रश्न आता है, क्या आता है? आता है यदि ए प्लस वन अपॉन ए का मान बराबर चार है तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का मान क्या होगा, का मान क्या होगा? ठीक है, अगर मैं चाहता तो मैं रटवा देता इसका स्क्वायर करके दो घटा दूं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाएगा। फिलहाल आज हो रहा है, ए प्लस वन अपॉन ए बराबर चार है, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा है, यदि ए प्लस वन अपॉन ए का मान दिया है और दो घटा दें तो हमें किसका मान मिलेगा, ए प्लस वन अपॉन ए के होल स्क्वायर, ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस दो बराबर ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। इसका हमें मान निकालना है, इतने का मान हमको दे रखा है क्या, चार का स्क्वायर। ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर माइनस दो, माइनस दो बराबर ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। अंदर वाले को देखो बेटा हमने क्या लिखा है, क्या दिया है हमको सवाल में, चार, चार चौक सोलह, और सोलह में दो चला जाएगा क्या आएगा, चौदह। ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, चौदह। आई बात समझ में? एक और एग्जाम्पल नोट करते हैं इसी का, देखिए अब देखो, जैसे आपको ये सूत्र नहीं आता था पहले इसी सवाल में देख लो, जैसे सूत्र नहीं आता था तो आप इसका स्क्वायर कर देते, ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर चार, तो आ जाता ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए इंटू वन अपॉन ए, इसका भी स्क्वायर करते तो सोलह हो जाता, ये कैंसिल हो जाता, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का मान क्या आ जाता, चौदह आ जाता ना आ जाता। बहुत सिंपल था, तो इसको याद नहीं करना है, आप चाहें तो कर लें चूँकि आपका टाइम सेव होगा, लेकिन टाइप बदलने पर ये कंसेप्ट बदल जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास, यदि a प्लस वन अपॉन टू ए बराबर, टू ए बराबर थ्री, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर ए स्क्वायर कितना होगा। अब आपका मेथड फेल हो गया क्या, a प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस टू जो आपने बनाया है वो गलत हो गया, वो गलत हो गया, उसका कोई मतलब नहीं, लगा ही नहीं पाएंगे आप, चाहे लगा लो उत्तर दूसरा आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पूरे टर्म का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू वन अपॉन टू ए बराबर, इसका स्क्वायर आपने किया है नौ आएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर ए स्क्वायर बराबर कितना आया, एट आया। तो आपको हम क्या सिखा रहे हैं, आपको हम स्क्वायर करना सिखा रहे हैं, आपको फार्मूला हम रटा नहीं रहे हैं, आपको स्क्वायर करना सिखा रहे हैं, आपको फार्मूला हम रटा नहीं रहे हैं, आपको हम स्क्वायर करना सिखा रहे हैं। बार बार ध्यान दीजिएगा, आप सवाल का स्क्वायर कर दीजिए अपने आप ही आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, यदि ए प्लस वन अपॉन थ्री ए बराबर वन, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन नाइन ए स्क्वायर का मान क्या होगा। आप सभी लोग ऊपर वाले का वर्ग करिए, इसका वर्ग करिए, तो जब आप इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब नाइन ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू वन अपॉन थ्री ए बराबर वन, ये कैंसिल होगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन नाइन ए स्क्वायर बराबर वन माइनस टू बाई थ्री, और आंसर आएगा एक बटा तीन। ठीक, आगे चलिए।
देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, सवाल का टाइप होगा यदि a प्लस वन अपॉन a बराबर p, तो a क्यूब प्लस वन अपॉन a क्यूब का वैल्यू क्या होगा, का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन। यदि a प्लस वन अपॉन a का मान p है, p का मतलब कोई संख्या दी होगी, चार है, पाँच है, दस है, ए प्लस वन अपॉन ए का मान पी है, तो ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब का मान क्या होगा। सवाल को हल करने के लिए आप इसका क्यूब कर दीजिए, खुद फार्मूला बनाइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए इंटू वन अपॉन ए ऑफ ए प्लस बी, यानी ए प्लस वन अपॉन ए और बराबर कितना, इसका भी क्यूब करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब चल रहा है, तो पी क्यूब, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ए प्लस वन अपॉन ए को आपने क्या माना था, देखो ध्यान से, पी माना था, तो ये बनता है ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब प्लस थ्री इंटू पी बराबर पी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब बराबर पी क्यूब माइनस थ्री पी, माइनस थ्री पी। अब हम बल्ले बल्ले कर दें, रटवा दें आपको कि यदि a प्लस वन अपॉन ए का मान दो है, तो a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब का मान क्या होगा, और याद कर लो पी क्यूब माइनस थ्री पी होगा, और आप रख दो, आंसर आ जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही यहाँ कोई गुणांक बढ़ेगा ना, वैसे ही बात गलत हो जाएगी, वैसे ही बात गलत हो जाएगी। क्या होगा देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। लिखा हुआ है, इसी को हम समझेंगे, क्या लिखा है मेरे पास, यदि a प्लस वन अपॉन ए बराबर तीन, तो a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब का मान बताइए। चलिए सभी लोग निकालिए, देखो लिखा है यदि a प्लस वन अपॉन ए बराबर पी, तो यहाँ p की जगह पे कौन आया है, तीन आया है, a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब का मान बताइए, तो a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब ना पूछ के, a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या है, p क्यूब माइनस थ्री पी। फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी साधारण सवाल दिए हैं, अगर यही लिखा होता टू ए प्लस वन अपॉन ए बराबर थ्री, तो एक नहीं लगा सकते थे, लेकिन इस समय लिखा है a प्लस वन अपॉन ए बराबर थ्री, ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब, तो फार्मूला है हमारे पास p क्यूब माइनस थ्री पी, पी की जगह पे यहां क्या लिखा हुआ है, तीन, तो आप कहेंगे a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब बराबर थ्री क्यूब माइनस थ्री पी, और p की जगह पे हमने क्या लिख रखा है, p की जगह पे हमने थ्री लिख रखा है, तो यहाँ थ्री सेट कर देंगे, सत्ताईस माइनस नौ, आंसर क्या आने वाला है, अठारह। क्या आपको ये बात समझ में आ पाई, बहुत आसान सा प्रश्न था, इसमें कुछ भी जटिल नहीं है, बहुत सरल सरल बातें हैं। चलिए देख लेते हैं आगे, एक क्वेश्चन और लीजिए। लिखा हुआ है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दो, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बताइए। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बताइए, चलिए फटाफट करिए, बहुत आसान है, टू क्यूब माइनस थ्री इंटू टू, और आठ माइनस छः, आंसर क्या आने वाला है, दो। चलो कायदे से तो अब माइनस वाला सवाल आपको खुद कर लेना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं आपको एक सिमेट्री बता देता हूँ दोनों तरफ पढ़ा के। मैंने आपसे दो चीज़ें पूछी, यदि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर पी, तो पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर, दो प्रश्न हमने आपसे पूछे। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जब हमने पूछा, तो हमने उसका आंसर निकाला पी स्क्वायर माइनस टू, और इसका उत्तर हमने निकाला पी क्यूब माइनस थ्री पी।
बोलो निकाला कि नहीं निकाला? ध्यान से देखिएगा, यही बात तो हमने पढ़ी। अब आइए इधर चलते हैं। यदि x माइनस वन अपॉन x बराबर p, तो पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब की वैल्यू बताइए। ठीक है, अब आप लल्ला थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं या आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं यदि आपके पास ऐसी डाउट्स आ रहे हैं मन में। तो क्या सर, जब यहाँ पे प्लस दिया था x प्लस वन अपॉन x बराबर p, तो आपने हमसे पूछा x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर बराबर, आपने हमसे पूछा x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब बराबर, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे आपका सवाल है x माइनस वन अपॉन x बराबर p, और आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर बराबर। ये तो गंदी बात है, यहाँ तो x स्क्वायर माइनस वन अपॉन x स्क्वायर बराबर होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो फिर वो वैल्यू पुटिंग मेथड्स होंगे, अन्य मेथड्स होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा सवाल नहीं बन सकता, लेकिन जिस फार्मूले से इनको फार्मूलेट किया जाता है उस फार्मूले में यहाँ माइनस नहीं आ सकता है, यहाँ आ सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हो तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हो तो भी आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस के होल स्क्वायर में और प्लस के होल स्क्वायर में दोनों ही केसेस में यहां प्लस आता है, इसलिए x माइनस वन अपॉन x का केस भी x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर पूछता है, x प्लस वन अपॉन x, x स्क्वायर x प्लस वन अपॉन x का केस भी x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर पूछता है। तो आप चिंता बिल्कुल ना करिए। हाँ, अब रटने का एक फंडा आपको बता दें, देखिए जब यहां प्लस दिया था x प्लस वन अपॉन x और आपसे पूछ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान, तो आपने पी स्क्वायर माइनस टू कर दिया। तो सिमेट्रिकली आप इसे पढ़ सकते हैं, यहां माइनस दिया है, इसका उत्तर आने वाला है पी स्क्वायर प्लस टू, पी स्क्वायर प्लस टू। यहां पे दिया था एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान पी क्यूब माइनस थ्री पी, तो यहां का रिजल्ट आ जाएगा पी क्यूब प्लस थ्री पी। लेकिन हम इसे रटाने वाले नहीं है, हम आपको बताएंगे कि ये क्यों आया, ऐसे मजा नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि x माइनस वन अपॉन x बार, देखिए अलजेब्रा में बहुत आगे के कॉन्सेप्ट भी हैं, हम आपको बस इतने ही पढ़ा रहे हैं, समझ आई रही बात? इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं अलजेब्रा में, तो ध्यान रखिएगा। चलें आगे देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए आगे हमारे पास होगा इसी को कॉन्सेप्ट को, यदि x माइनस वन अपॉन x बराबर p है तो जरा इसका वर्ग करो, इसका स्क्वायर करो बेटा। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू वन अपॉन x बराबर, इसका भी स्क्वायर होगा तो p स्क्वायर हो जाएगा। इस x से ये x देखो कटता हुआ नजर आ रहा होगा, अब आया एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या माइनस आया, नहीं आया, प्लस ही आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, वही चीज़ हमने आपको याद करवाई है। आगे देखेंगे, अगर इसका हम क्यूब कर दें, अगर हम इसका क्यूब कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस वन अपॉन x का होल क्यूब बराबर p क्यूब, तो ये आ जाएगा x क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ऑफ a माइनस b और बराबर p क्यूब। ध्यान से देखिए, x से x कैंसिल होगा, x माइनस वन अपॉन x को आपने क्या कहा है, p कहा है, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री पी बराबर पी क्यूब, ये वैल्यू उधर जाएगी तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर पी क्यूब प्लस थ्री पी, पी क्यूब प्लस थ्री पी। वही चीज़ें हमने आपको डायरेक्ट बता दी थी, लेकिन आपके मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहाँ से आया, इसलिए हमने इसको डेराइव कर दिया। आगे चलेंगे,
आगे कुछ और हम बातें लेंगे। इसी का पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि, चलो आप सभी लोग लगाओ, यदि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान बताओ, और सेकंड है एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान बताओ। फटाफट देखो, ये देखो कंसेप्ट लिखा है, तुरंत ठोक दो सवाल में। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे आप लिखेंगे पी की जगह पे दो है, तो दो स्क्वायर प्लस दो छः आएगा, आ गया होगा सबका। और यहाँ पर दिख रहा है पी क्यूब, यानी दो का क्यूब, दो का 3 बार गुणा 8 आएगा, प्लस 3p, 3 का 2 से गुणा 6 आएगा, और आंसर विल बी 14। क्या ऐसे सवाल आप सभी लोग कर लेंगे? अगर कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का पहला स्टेप आपको आ चुका है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे क्या है इसी में, जैसे हमसे पूछ देता है यदि x माइनस वन अपॉन टू एक्स बराबर टू, और तब हमसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर का मान बताइए। अब बेटा इस सवाल को आप इस तरीके से नहीं लगाएंगे। हालांकि बनाए फार्मूला तो बना के आपको दे सकते हैं, लेकिन पता चला फार्मूलों की एक कॉपी तैयार हो जाए और तुमको कुछ दिन बड़ा अच्छा लगे कि हमको बड़ी गणित आ गई, और एग्जाम में जाओ पता ना चले कौन कहाँ लगाना है, तो वो ठीक नहीं है। अब देखो ये मामला फेल हो गया, क्योंकि यहाँ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इसके गुणांक में कुछ आ गया है, या इसके गुणांक में कुछ आ जाए तो फिर ये तरीका फेल हो जाता है। फिर इसके रूट में जाना पड़ता है, जैसे हम आपको प्रूफ करवा रहे थे। इसका स्क्वायर करिए, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर, इसका स्क्वायर करिए 2, ये कैंसिल ये कैंसिल, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर बराबर 5, ये हो गया बेटा, खत्म हो गया काम। तो जब इसी में कोई कहीं अगर इसका गुणांक बन के आ जाए, इसका कोई कॉफिशियंट बन के आ जाए, सरल सी बात ना बने, तो फिर आप इस तरह से सवाल को हल करेंगे। अगर सरल सी बात बनी हो तो छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से सवाल को हल करेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, देखिएगा, एक बहुत प्यारे सा कॉन्सेप्ट है, एक्स प्लस वन बराबर जीरो। क्या क्या निष्कर्ष इससे निकाले जा सकते हैं एक्स प्लस वन बराबर जीरो से? ठीक है, एक्स प्लस वन अपॉन जीरो, एक्स प्लस वन बराबर जीरो से क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? देखिए इसका जरा इस क्यूब करिए, तो एक्स प्लस वन का होल क्यूब बराबर जीरो, तो एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब प्लस 3 x of 1 plus x बराबर जीरो। तो नहीं, इसमें कुछ हमसे गड़बड़ी हो रही है, सवाल कुछ और है, चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे, छोड़ दीजिए उसको, देख लेंगे बाद में करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, इसी से रिलेटेड छोटा सा एक प्रश्न है, वैसे आपको आना चाहिए। एक्स प्लस लिख लीजिए इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस टू, देन एक्स की पावर 2n+1 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 2n+1 का मान क्या होगा? सवाल एक आपके बुक का है और एग्जाम का क्वेश्चन है। इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस टू, देन एक्स की पावर 2n+1 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 2n+1 का मान क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हम लिख देते हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास ए 0, बी माइनस टू, सी 2, डी इन्फिनाइट। ठीक है, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। बात कुछ यूं है कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस टू रखा हुआ है, और हमसे कह रहा है x की पावर 2n+1 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 2n+1 का मान बताइए। इसका मतलब n का कोई भी मान रख दो, n का कोई भी a to z मान रख दो, रिजल्ट नहीं बदलने वाला है। इसीलिए सवाल में एक्सपेंडेशन एन तक है कि आप एन जो मनाए वो ले लीजिए। आपका मन है एन 0 ले लेने का, आप एन 0 ले लीजिए। आपका एन लेने का 1 मन है, आप 1 ले लीजिए। कोई प्रभाव नहीं होने वाला है एन से। इसका मतलब एक्स ऐसा सेट होगा कि उस पर कितना भी आप कुछ भी कर दो, कोई प्रभाव पड़ने वाला
नहीं है। यानी जैसे x का मान 1 कर दिया जाए, अब 1 पर चाहे जितनी घात लगा दो 1 ही आएगा, 1 पर चाहे 500 घात लगा दो 1 आएगा, 1 पर चाहे 0 पावर लगा दो 1 आएगा, 1 पर चाहे -1 पावर लगा दो 1 आएगा, क्या फर्क पड़ता है? यानी एक्स की कोई ऐसी वैल्यू सेट होगी जिस पर एन कुछ भी लग जाए रिजल्ट में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए इसको, देखिए अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। जब आप थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे होते हैं तो आप इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड लगाते हैं, मान रख रख के चेक करते हैं, जिस मान पर वो चीज़ संतुष्ट हो गई काम खत्म हो गया। अच्छा दूसरी चीज़ ध्यान से ये देखो कि ये जो 2n+1 है इसकी एक खास बात है कि फाइनली एन का आप जो भी मान रखेंगे उससे आपको एक विषम संख्या ही मिलेगी। एन एक रख लो तो 3 मिल जाएगा, एन दो रख लो तो 5 मिल जाएगा, एन तीन रख लो तो 7 मिल जाएगा। यानी परमानेंट एक ऑड नंबर पावर में आने वाला है। पावर में कैसा नंबर आने वाला है? ऑड नंबर। सवाल को यहां देखिए, हम आपको वैल्यू पुटिंग से नहीं बता रहे, अदरवाइज तो एक्स बराबर -1 रख लो सेटिस्फाई हो जाएगा। अभी हम लोग हल करेंगे, ये एक्स इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर होगा +1/2x, ऐसा लसा वासा जब आप लेंगे। अब ये एक्स इधर चला जाएगा तो x²+1 -2x, और ये आ जाएगा x²+1+2x=0। ये क्या लिखा हुआ है मालूम? x+1 का होल स्क्वायर। यानी x+1=0 अर्थात x=-1। x का मान कितना है? -1। तो यहां बेटा जब आप -1 रखेंगे, यहां पर -1 की घात 2n+1 +1/-1 की घात 2n+1। तो बेटा -1 की घात 2n+1 ये तो विषम है, ये क्या है? विषम है। तो विषम है -1 का गुणा, -1 बार कराओ +1 आएगा। लेकिन अगर -1 का गुणा 3 बार करा दो तो -3 आने वाला है। यानी -1 पर अगर घात विषम होगी तो माइनस ही आएगा, इसीलिए 2n+1 लिखा है, विषम ही आएगी। यहां भी विषम ही आएगी अर्थात इसका भी रिजल्ट -1 आएगा, इसका भी रिजल्ट -1 आएगा, आंसर आएगा -2, आंसर आएगा -2। मतलब ये कि जो इसका आंसर है वही इसका आंसर है, कितना? -2। मैं पहले ही बता रहा था कि वो एन से फ्री है। एन के किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी आप वैल्यू रख दें इंटीजर में, तो उस इंटीजर वैल्यू के लिए ये फिक्स रहने वाला था। वो चाहे माइनस इंटीजर रखिए चाहे प्लस इंटीजर रखिए, इवन आप 0 भी रख देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया? रफ कलम उठाइए, आप खुद लगाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास काफी हद तक समझ में आई होगी। अल्जेब्रिक पोर्शन थोड़ा सा अरिथमेटिक में है, इसलिए हमने अल्जेब्रिक पोर्शन आज पढ़ा दिया। कल हम आप लोगों को पुनः अरिथमेटिक के प्रश्न करवाएंगे सरलीकरण के। चैप्टर काफ़ी हद तक काफ़ी कंसेप्ट्स के साथ ख़त्म हो चुका है। आप सब लोगों को चाहिए कि घर में बैठ करके रोज़ 20 सवाल 25 सवाल सिंपलीफिकेशन के लगाएं। कोरोना का अवकाश हम लोगों को नहीं मनाना होता है, क्योंकि कोरोना के बाद फिर जीवन सामान्य होगा, फिर भागम भाग की ज़िंदगी होगी, फिर हम लोग भागेंगे दौड़ेंगे और अपने करियर को पाने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प चुनेंगे। तो ये छोटा सा प्लेटफार्म है, हम बहुत तो नहीं आपको 30 मिनट में दे पाते हैं, लेकिन जो भी दे पाते हैं उतना ही आप ले लीजिए, है ना। फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेबा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।